जो है मरुस्थल में जिस प्रकार से अपनी दहाड़ देने का प्रयास किया है, आज 10 अप्रैल को स्क्रीनिंग के दौरान ये बताया गया कि पंकज चौधरी जो लोकसभा के प्रत्याशी बसपा के कैंडिडेट हैं उनका नामांकन रद्द किया जाता है। आर ओ बाड़मे ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेट इशू करना था, वो इशू नहीं किया है। इसमें मैं इतना बताना चाहूँगा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई अधिकारी या कोई ऐसा कर्मचारी जो सेवा से मुभूक होता है वो चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना एक समान नागरिक का अधिकार है। चूँकि एक सर्टिफिकेट इशू होना था, इस सर्टिफिकेट की जानकारी होने पे मैं 1 अप्रैल 2019 को निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय सचिव से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपना पक्ष रखा, लिखित में निवेदन किया कि एक सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। चूँकि मैं लोकसभा जैसलमेर बाड़मेर से मैं प्रत्याशी हूँ, उस सर्टिफिकेट को मुझे नामांकन के पहले जमा करना है। सचिव ने बताया कि चूँकि आपका डिसमिसल का केस है और इस केस में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है। हम सीओ राजस्थान और स्टेट से कंसल्ट करके जितनी जल्दी हो सकता है हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। हमने वहाँ पर्सनल हियरिंग की, हमने रजिस्टर्ड पोस्ट उनको किया, सीओ राजस्थान को किया, इलेक्शन कमीशन भारत सरकार को किया, आर ओ बाड़मेर को किया, फैक्स किया, मेल किया। उसके बाद आज जिस प्रकार से 8 अप्रैल को नामांकन मेरा हुआ और आज चूँकि स्क्रीन में खुद उपस्थित था, मुझे आशंका नजर आ रही थी कि शायद ये जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है, कहीं न कहीं जिस प्रकार से इनको ये आशंका लग रही है कि बीएसपी का ये प्रत्याशी इनको हराने की क्षमता रखता है, तो एक साजिश का हिस्सा है। इसको हमने चैलेंज कर हम इनकी नामांकन खारिज करने के मुद्दे को हम चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय इस मामले को गंभीरता से उस पर हम जाएंगे और उस पर हमें न्याय मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से सेवा विमुक्त कराने के लिए जिस प्रकार कानून से परे जाते हुए एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सेवा से विमुक्त कराया था, वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यशैली पर। और जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पंकज चौधरी गांधीनगर आवास पर एक नोटिस चस्पा कराया है, वो इनकी कार्यशैली को उनकी मंशा को बताता है कि पंकज चौधरी ना तो भाजपा के लिए ग्राह है ना तो कांग्रेस के लिए। जो मुख्य रूप से आप आरोप किस पे लगाना चाहेंगे इन्होंने ये खारिज करवाया? मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पंकज चौधरी बसपा से प्रत्याशी हैं और हाथी जिस प्रकार पश्चिम राजस्थान में अपनी जो है मजबूती दिखा रहा है, इनको डर है और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर पैदा हुआ और ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। अगर मैंने इलेक्शन कमीशन को एक रिव्यू करने के लिए अभी फैक्स किया है, मुझे लगता है वो संज्ञान में ले लेना चाहिए। अगर कोई लापरवाही इंटरनल लेवल पर उनकी है या आंतरिक रूप से कोई अधिकारी उसको सही तरह से गंभीरता से उसको न लेते हुए समय पर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि शायद टॉप प्रायोरिटी जो है उसको गंभीरता से लेगी और सर्टिफिकेट समय रहते आज इशू कर देंगे। आर ओ बाड़मेर को, सीओ राजस्थान को वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये क्लियरेंस दे देंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर क्लियरेंस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में इन तमाम फैक्ट्स को हम पार्टी बना रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग को पार्टी बना रहे हैं, सीओ राजस्थान को पार्टी बना रहे हैं, आर ओ बाड़मेर को, जिनको समय रहते हुए सूचना देने के बावजूद, समय रहते हुए सारी स्थितियों से वाकिफ कराने के बावजूद इन्होंने ना तो इस पर गंभीरता दिखाई और चूंकि मंशा थी, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहा है, इनकी मंशा थी, तो संवैधानिक जो संस्था है उसका दुरुपयोग किया गया है और कराया गया है।